वेलकम बैक टू एक्सोटिक बर्ड्स। दोस्तों ये मेरे चैनल पे पहला वीडियो है जो कि है एक गिनी पिग्स का, और ये गिनी पिग्स का छोटा सा फार्म जो खोला है मेरे एक दोस्त ने जो कि आकाश इंगले करके, ही इज फ्रॉम खंडवा, ये खंडवा में रहता है, और इसने अपना गिनी पिग्स का जो फार्म एज अ एक बिजनेस भी खोला है और एक शौकिया तौर पर भी इसने एक मतलब ये आइडिया चुना, क्योंकि मैंने इसको बोला भी था कि इसको बर्ड्स का बिजनेस अगर आपको करना हो तो मैं तेरे को गाइड कर सकता हूँ, मगर उसके बर्ड्स के बिजनेस के कई सारे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी थोड़े बहुत है। डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि आपको पेशेंट उसमें जरूरी है। जब मैंने इसको बताया कि अगर तू कोई वॉयलेट का पेयर खरीदता, एक वॉयलेट का ही एग्जाम्पल दिया जो कि एक बार ब्रीड कर ले तो आपका अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो मैंने उसको बताया भाई मेरे पास जो वॉयलेट है वो 14 महीने से अभी तक ब्रीड नहीं किया, तो इसने बोला कि इतना लंबा टाइम अपन नहीं मतलब रुक सकते इतना लंबा, क्योंकि हम वॉयलेट में इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा है और इतना ज्यादा टाइम के लिए आपका बहुत ज्यादा पैसा अटक जाता है। तो इसने फिर हमने कुछ डिसाइड किया, कई सारे चीजें देखी मार्केट में कि क्या हम पाल सकते, तो हमने फाइनली फिर डिसाइड किया कि भाई गिनी पिग एक जबरदस्त चीज है जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो ब्रीड है जैसी ही पैदा होती है उसके 2 से 3 महीने बाद ही ब्रीड करना चालू कर देती है। मीन्स इसका प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त है, अगर एक साइड बिजनेस के तौर पे इसे देखा जाए तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा है। तो हमने फिर इस पे थोड़ी स्टडी की इनको कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमने एक फार्म हाउस इंसेंस जिसने बंदे ने पाल के रखे थे गिनी पिग, उसके पास हमने थोड़ा सा एडवांस बुकिंग करवाई थी जो कि हमें 1 महीने बाद वो बुकिंग कंप्लीट मिल गई। तो हमने अभी जो ये यूनिट खरीदा है जिसमें है हमारे कितने पीस थे, 51 पीस से 55 पीस हमने बुलाए थे, 5 पीस बहुत ज्यादा ठंडी के कारण वो थोड़ा सा 4 पीस बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण वो मर गए। तो मैं आपको तो पहले सबसे पहले गिनी पिग्स दिखा देता हूँ, और ये सारे के सारे जो है ना बच्चे हैं, ये आई थिंक कितने महीने के होंगे, कितने दिन के होंगे, ये 2 to 3 days नहीं, 2-3 दिन के तो नहीं है, 7 days के नहीं, इतने छोटे तो नहीं मुझे नहीं लगता रे, ये कम से कम 15 से 20 दिन के होंगे, क्योंकि दोस्तों आप इनका साइज देख सकते हो, ये इतना साइज तो मेरे को नहीं लगता कि 2 से 5 दिन के बच्चों का हो सकता है। और ये एज अ पेट भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप डॉग पालते हो, कैट्स पालते हो या आप बर्ड्स पालते हो, तो ये भी एक एज अ पेट के लिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और ज्यादातर जो मैंने मार्केट में इसकी थोड़ा देखा, कोई पेट शॉप वालों से पूछा, कई सारे पेट शॉप वालों से मैंने पूछा कि भाई ये मतलब कौन ज्यादा लेती है, तो मेरे को जहां पता चला कि इसमें जो ये लड़कियां ज्यादा पसंद करती है इन गिनी पिग्स को, और इनका जो मेंटेनेंस है ना दोस्तों, ये बाकी बर्ड्स कैट डॉग के मुकाबले एकदम जीरो है। अब जीरो क्यों आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि ये जो खाते है ना, आपके यहाँ कोई भी सब्जी वब्जी आई है उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि हमने ये पालक नहीं है, कौन सी सब्जी थी, मेथी की सब्जी थी, जिसमें कि जो मेन वो इसकी जो मेन मेथी जो तोड़ते हैं वो तो हटा दी, और इसकी जो डंडिया है तो ये डंडिया हमने सुबह से दी बहुत ज्यादा थी, अब ये सुबह से बहुत ज्यादा कम हो गई, तो इन्होंने पूरा खा ली, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत है। और आप इसको पत्ता गोभी भी दे सकते हो, और क्या क्या इन्हें दे सकते है, और इन्हें खाने में क्या क्या, गोभी गोभी गाजर गाजर और कोई सी भी फली इसके कोई सी भी वेजिटेबल भी आप इजीली उनको फ्रूट भी दे सकते हो, मतलब अगर आपके पास कोई वेजिटेरियन हो या आपके घर पे वेज बनता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आप कूड़े में ना डाल के इनको दे सकते हो, वो एकदम बहुत ही शौकिया तौर से इन्हें खाते हैं और खुश रहते हैं। और इनका जो गंदगी का मसला जो था,
एक की कि ये खरगोश की फैमिली से तो हमने स्टडी करी थी, भाई ये खरगोश की फैमिली से है तो ये ज्यादा बीमार, ज्यादा मतलब गंदगी तो नहीं करेंगे, बदबू तो नहीं मारेंगे, तो हमें वे ये लौट लाए। यहाँ पर 4 से 5 दिन हो गए और यहाँ पर कोई बदबू नहीं है, क्योंकि हमने जो ये यूज किया ये घूसा, जो कि यहाँ पर तो घूसा बोलते हैं, अगर हो सकता है आपके स्टेट में या आपकी कोई दूसरी कंट्री से अगर देख रहे हो तो यहाँ मुझे नहीं पता ये आपके उधर क्या बोलते हैं, तो जरा कमेंट करके जो बताइए हैगा आपके उधर क्या बोलते हैं। इसे यहाँ पर तो घुसा बोलते हैं और ये हमने इनका जो फ्लोर पे बिछा दिया है तो, और ये इनको थोड़ी सी नेट पे स्टडी करने के बाद पता चला कि इनको हाइट मतलब छुपने की जगह जहां पर रहती है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो हमारे भाई ने ये इसका ये बनाया है यहाँ पर टनल टाइप ऐसा कुछ। यहाँ पर एक अपन अभी क्या रखा था तूने, बॉक्स रखा है मतलब एक लोहे का एक बॉक्स टाइप यहाँ पर उसने रखा है और इसके ऊपर पत्ते सॉरी पेपर लगाया है कि ये घुसा इसके अंदर जाए ना, ये आप देख सकते हो ये यहाँ से घुसा अंदर जाए ना तो ये मतलब ये अंदर घूमेंगे एक ऐसा तौर पे। और ब्रीडिंग पर्पज से अगर आप इनको लेते हो, अगर आपको ब्रीड करवानी हो तो इनका जो रहता है ना वो रहता है आप 5 फीमेल के साथ 1 मेल डाल सकते हो। ये आपका जबरदस्त चीज है कि 5 फीमेल के साथ 1 मेल काफी हो जाता है और उस सिंगल मेल वो 5 फीमेल को इजीली मतलब जो भी इनका प्रोग्रेस आगे का रहता है वो इजीली कर सकता है, क्योंकि हमने इसका यूनिट वाइज थोड़ा बनाया था कि यूनिट में हम इसको रखेंगे तो काम तो चालू था, मगर अभी तो हमें ये मेल फीमेल थोड़ा कंफर्म नहीं हो रही कि इसमें भाई मेल कितने, मेल तो हमें पता है कितने हैं मगर इसमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़े से ये बड़े हैं और हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है, मेल थोड़ा नॉलेज नहीं है। सामने वाला जो बंदे ने से हमने लिए है उसको अच्छा खासा नॉलेज था तो उसमें मेल कितने फीमेल कितने वो हमें करके दिए, अभी तो थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो हम उसका यूनिट बना रहे थे, अब आपको मैं यूनिट दिखा देता हूँ। ये जो है एक यूनिट, ये इसका साइज क्या है यूनिट का, एक इधर हमने जो रखने के लिए इनको बनाया कितना था, एक ये वाला 1/2 का है और ये वाला जो है ये मेरे ख्याल से 2/3 का है, साइज थोड़ा बड़ा है और ये है 5/5 का। तो हमने सोचा 5/5 के इसमें अभी फिलहाल सबको रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो। और दोस्तों एक और चीज, अगर आप इतने सारे हमारे पास 50 पीस है और आप या 1 या 2 पीस खरीदते हो, हम भी ये बेचेंगे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, ये आधा आधा किलो की होगी, इसको फाड़ने की जरूरत नहीं, ये इसको पत्ते पत्ते निकाल दे बस, ये आधा किलो की पत्ती पत्ती मतलब 1 किलो के आसपास ये 50 पीस खा जाते हैं। अगर आपके पास 1 या 2 ऐसा पेट आप पाल रहे हो तो आप इमेजिन कर लीजिए आपको कितना ज्यादा उसका मंथ प्रॉफिट होगा, कि ज्यादा मेंटेनेंस नहीं यहाँ पर एक ये चीज है कि मेरे ख्याल से ये एक दिन में एक पीस कितना ग्राम खाता है, 50 ग्राम एक पीस, तो दोस्तों एक पीस 50 ग्राम खाता है। गोभी के अलावा और भी कई सारी चीजें देते हैं, सुबह भी थोड़ा अलग अलग रूटीन अभी बनाया नहीं है, अभी जो मिल रहा है वो दे रहे, जो मिल रहा है मतलब इसमें अभी ठंडी चल रही है तो ठंडी जो ज्यादा जो वेजिटेबल ठंडी होती है वो नहीं दे रहे, गर्म वेजिटेबल है ना। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हो, ज्यादातर ये स्टूडेंट ही अगर ये बिजनेस करना चाहिए, हो सकता है आप कोई बड़े लेवल पे भी कर रहे हो तो ये कर सकते हो। स्टूडेंट अगर आप पालने के लिए चाहिए तो उसके साथ ले, हाँ घर में पालने के लिए आप ले सकते हो, और स्टूडेंट एज अ कॉलेज स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं इसे, कोई स्टूडेंट एक अच्छे से पाल सकते हैं, मीन्स उनको ज्यादा अराउंड अपन ये तो भाई हम तो ये बेचेंगे, क्योंकि देखिए अगर मेरा बर्ड्स का भी ऐसा रहता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है मैं एडवांस बुकिंग वहां पर लेता हूँ। अगर आप में से ये कोई भी इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर कॉल करके ले सकते हो अभी। और आज की डेट जो है 9 जनवरी है, ये वीडियो मैं कब पब्लिश करूंगा मुझे खुद को नहीं मालूम, जब मुझे अच्छा लगेगा और वीडियो पूरी तरह बन जाएगी तो, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी है, तो ये हम बेचेंगे 1000 रुपये पेयर। 1000 रुपये पेयर के हिसाब से आप कोई भी ले सकता है, जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा हम उसका ही मतलब लेंगे, यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब इधर साइड हम नहीं दे सकते क्योंकि उधर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इनको आप रख सकते हो, घर में खुला भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास डॉगी कैट हो तो उनसे आपको थोड़ी उसकी दोस्ती करवानी पड़ेगी, दोस्ती कराए बिना तो मुझे नहीं लगता वो एक सेट होंगे, एक बार दोस्ती हो गई तो आप इनको घर में कहीं भी ऐसा छोड़ सकते हो, या आप 2/2 का केज या बना लोगे
दो बाय दो का केज आप बना लिया तो उसमें भी आप रख सकते हो, यहाँ तक कि बर्ड्स के केज में भी इनको इजिली रखा जा सकता है। और तो मैं आपको कुछ पीसेस बता देता हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट है, और मैं वो किसी को देने भी नहीं दूंगा, वो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला बता जो ये, क्योंकि ये मेरा ही है, इसको मैंने बुक कर लिया, बुकिंग से ये मेरा ही है, ये तो भाई किसी को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए आप कितना छोटा है, ये अराउंड 15 से 20 दिन का बच्चा होगा। ये देखिए ये एक सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, और भी क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। ये एक येला पीस है और कई सारे पीस इधर उधर घूम रहे हैं, और जैसे कि इधर देखिएगा ये तो पकड़ लिया था ये, और कई सारे वो टर्नल जो बनाई है आप देख सकते हो उसके नीचे घुस गए अंदर साइड, यहाँ पर जो नीचे बनी है आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर घुस गए। और ये भी देखिए आप, ये देखिए अंदर घुसे बैठे हैं, और इनको हाइट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखिए ये बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, देखिए कहाँ से वो निकल रहा है बाहर, तो ये देखिए ये मतलब इनके लिए एक खेलने की जगह जबरदस्त बन गई है। ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा ये कैमरा, थोड़ा मैं इधर जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या किसी को गिफ्ट करना है, लड़कियां बहुत ज्यादा इसे पसंद करती है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है जो गिनी पिग पालना चाहती है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ तो 1000 रुपए का ये पेयर रेट जो रहेगा फिक्स रहेगा। अगर रेट का आप सोच रहे हो कि हम 4 या 5 पेयर लेंगे, तो फिर भी अगर आप 5 पेयर भी लोगे तो वो आपको 5000 रुपए का ही पड़ेगा, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन आपका रहेगा वो अलग रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा हर कॉस्ट का अराउंड ट्रांसपोर्टेशन का अपन ले ले तो 200 से 300 रुपए आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 1 पेयर लो या 5 पेयर लो, 1000 रुपए पेयर ये रेट जो है फिक्स है। तो दोस्तों कलर इसमें आपको एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कलर की, भाई मुझे ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए, तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा आकाश? व्हाइट कलर छोड़ के बाकी सब, हाँ व्हाइट वैसे भी एक सिंगल पीस है जो आप देख रहे हो, ये एक पीस है व्हाइट कलर छोड़ के, मगर ये सिमिलर नहीं है, थोड़े बहुत उनका मार्किंग थोड़ी बहुत अलग है। तो मतलब अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये पीस सही है सामने वाले को, ये वाला पीस सही है? जो भी पसंद होगा वो उनको दिलवा देंगे, जो भी पसंद होगा वो अपन उनको दे देंगे, है ना? सही है ना, सिर्फ व्हाइट छोड़ के, बाकी आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। इधर भी है और इधर भी, इन महाशो का शायद पेट भर गया, ये इधर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म कर सकते हो, और एक सबसे बेस्ट ये सोर्स ऑफ इनकम भी है आपकी, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी आपको पैसे की नीड है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मैं भी खुद इससे बड़े लेवल का इंशाल्लाह जल्दी करूंगा, थोड़ा सा टाइम बाद, मगर जल्दी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हो जाए, और भी हम इस पे और भी यूनिट बढ़ाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। एंड दोस्तों वीडियो को अभी यही खत्म करते हैं, होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में देखिएगा बेल आइकॉन है तो उसे भी प्रेस करिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।